द डिमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ जंक फूड एंड होम मेड फूड दैट वन यू जस्ट राइट सम पॉइंट्स यू नोट डाउन एंड देन यू डिस्कस विद ईच अदर और यू डिस्कस विद मी फॉर 5 मिनट्स और बट 10 मिनट्स आई एम गिविंग यू जस्ट राइट सम पॉइंट्स. काजल आपने समझा क्या बोलना है क्या लिखना है? हेलो काजल. हाँ काजल बोलिए. हाँ बोलिए. हेलो. हाँ हेलो. हेलो. हाँ आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? या प्लीज राइट डाउन एंड ऑफ योर स्विच ऑफ योर कैमरा सॉरी कैमरा मींस स्पीकर एंड देन यू राइट आफ्टर राइटिंग यू जस्ट ऑन योर स्पीकर दिस वन या प्लीज डू इट. 10 minutes I'm giving. After 10 minutes again I will talk to you. अच्छा तो इंग्लिश टू इंग्लिश होती है तो इसमें आपने मतलब कब से मतलब आपको लगा कि ये होना मतलब थोड़ा आप बताइए इंग्लिश के बारे में इसके जानने के बारे में आपको मतलब कैसे समझ में आया कि इसको सीखना ही है ऐसा कुछ? नहीं मुझे ये जानना है कि इंग्लिश सीखने की जो आपके पास जो डिसीशन आया तो वो कहाँ से मतलब कैसे पहले कैसे मतलब ये स्टोरी क्या है आप थोड़ा मुझे बोलो. मैंने ना मैम पहले गया था मेरे इंस्टीट्यूट में होम इंस्टीट्यूट है तो वहाँ से मिला था मेरा नंबर वगैरह. अच्छा 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 कोई बात नहीं है. तो आपको ग्रामर्स मतलब बेसिक्स आता है या बेसिक से शुरू करना है? बेसिक्स लगभग आता है लेकिन आप अगर ट्राई लेंगे तो तब पता चल जाएगा आपको कितना दिक्कत है. अच्छा अच्छा ठीक है ट्राई भी लेंगे ज़रूर. और एक चीज़ जो आपने कहा कि इंग्लिश में कन्वर्सेशन होता है कोर्ट में ठीक है ना तो किस तरह का कन्वर्सेशन आपको करना पड़ता है मतलब आप हिंदी में ही कुछ कन्वर्सेशन को आगे लेके आओ उसको हम देखते हैं कि किस तरह का कन्वर्सेशन होता है ताकि इसे आप सीखना चाहते हो है ना. कौन सा एक्चुअली में होता क्या मैम आप वीडियो ऑन करके भी आ सकते हो कोई बात नहीं है प्रॉब्लम नहीं अगर आपको कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो तो आप वीडियो ऑन करके आ सकते हो. अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं ओके ओके चलेगा आपको जैसे जैसा अच्छा लगे. अच्छा आप बोलिए. बोलिए. जैसा होता है क्या मैम जैसा पॉक्सो एक्ट होते हैं और 376 के कुछ केसेस होते हैं ना तो उनकी जो लेडीज की गवाही होती है या अदर मतलब कोई भी उसका विटनेस आता है तो उसमें वो मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश में होता है जैसे मैं बोल देता हूँ कि मेरे को वहां पर वो घटना घटी वो तो वो सब इंग्लिश में होता है हिंदी में कुछ नहीं होता. अच्छा तो आप पहले क्या कर रहे थे मतलब पहले आपके तो शायद काम करने के कुछ 4-5 साल हो जाएंगे ऐसा है ना? हाँ जी जी. तो 4-5 साल से आप लोग हिंदी में चला रहे थे या इंग्लिश में ही चला रहे थे आप लोग? नहीं, अभी मैंने खुद का तो किया नहीं है जो मतलब अपना होता है ना किसी दूसरे के नीचे काम कर रहा हूँ तो यही एक प्रॉब्लम है कि मेरे को अभी इंग्लिश अच्छे से नहीं आ रही है तो इसी वजह से मतलब किसी दूसरे के नीचे काम करना पड़ रहा है. अच्छा अच्छा और एक चीज बहुत अच्छी बात कही आपने मैं इस पर बात करूंगी बाद में. और एक चीज जानना चाहती हूँ आपका नाम क्या है? नाम शाहिद है. शाहिद सिद्दीकी जी मैम. अच्छा तो यहाँ पे मैम मुझे कह रही थी कि आपका नाम समीर क्या क्या है कहा ये नाम तो इससे मिलता नहीं है इसलिए मैंने कहा कोई और है क्या इसलिए हाँ हाँ आपका नाम ही समीर है क्या? क्या आपका नाम ही समीर भी है क्या? नहीं समीर नहीं है एक्चुअली में हुआ क्या था जब मैं पहली बार गया था इंस्टीट्यूट में मेरा फ्रेंड था मेरे साथ क्या बोले मुझसे अक्सर आपका फ्रेंड था हाँ 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 फ्रेंड था. अच्छा ठीक है तो
मैम ने उनसे पूछा था कि इसका नाम क्या, मतलब नाम क्या आपका इंटरेस्ट कराओ, तो उसने बोल दिया था कि इसका नाम समीर है, मेरे को मतलब फ्रेंड वगैरह सब समीर बुलाते हैं। अच्छा अच्छा इसलिए मैं कही थी, अरे समीर अगर है तो नाम उसका क्यों ये आ रहा है, तो मैंने सोचा ये भी समीर भी उसका घर का नाम ऐसा हो सकता है, कभी कभी होता है ना, तो मैंने कहा ऐसा हो सकता है, कोई बात नहीं। अच्छा चलो मुझे अभी ये कंफर्मेशन आ गया। पर हाँ और एक चीज़ आप मुझे और एक चीज़ बताओ, जब आप इंग्लिश में लोग बातें करते हैं देखते हो या आपको बातें करनी पड़ती है, तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो और आपको हैंडल करते हुए कैसी परेशानी होती है, वो सब थोड़ा मुझे खुल के आप बताओगे ना, तो मुझे और ज़्यादा मालूम होगा और मैं थोड़ा ज़्यादा मतलब और स्पीड से काम कर सकूँगी। दोबारा रिपीट कर रहे हैं। नहीं मेरे मतलब है जैसे इंग्लिश में बात होती है ठीक है कोर्ट में, तो जो बात होती है उस बात को आप मतलब इंग्लिश में चला लेते हो या आपके होकर दूसरा कोई बोलता है या कैसा सिचुएशन, मतलब कौन कहाँ पर आप रुक जाते हो बोलने के टाइम, कौन सा चीज़ है जो आपको इंग्लिश बोलने में थोड़ा ये होने देती है, और अगर ये ना हो तो आप इंग्लिश अच्छी तरह से बोल पाओगे, कैसा लग रहा है कैसा लगता है, मतलब आप ऑब्जर्व करके आप मुझे थोड़ा बोलो कि कौन सा चीज़ है जो मतलब सॉल्यूशन होने से आपको अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना आ जाएगा। हेलो आपने समझा मेरी मेरा मेरा सवाल को सवाल आपने समझा है। हेलो आवाज तो आ रही है पर कट के आ रही है थोड़ा, आप कहीं आप थोड़ा प्लेस को चेंज करके देखो शायद ये काम कर जाए। अभी भी कट कर आ रही है? अभी ठीक है अभी ठीक है अभी ठीक है, आप बोलो मुझे। हेलो हेलो अभी नेटवर्क का शायद इशू है, आप थोड़ा जगह प्लेस चेंज कर सकते हो क्या, जहाँ हो आप उसकी थोड़ा कहीं और जाने से शायद आपको नेटवर्क मिल जाए, है ना? अभी कैसी आवाज आ रही है? अभी ठीक है आप बोलो। मैम होता है क्या कि मतलब जब किसी भी केस में हम जाते हैं कोर्ट में ना। हेलो हाँ 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 सुन रही हूँ आप बोलो। तो एक मिनट रुको मैम। रहा था वहाँ पर वो मिल गया, ऐसे वो कुछ होता है ना, मतलब पूरी कहानी मतलब जैसे पूरी एक कहानी तौर होती है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है कि मतलब कहाँ इसी में थोड़ा अटकन होती है कि मतलब पूरा बनता नहीं है। अच्छा एक चीज मुझे अभी मिल गया है, अभी आप मुझे और एक चीज बताओ, आप कोर्ट में बात करने के अलावा सुनने के अलावा और कहीं कुछ सुनते हो या इसको लेने के लिए आप कुछ और कोशिश करते हो या बोलते हो कहीं और किसी फ्रेंड्स या किसी कॉन्फ्रेंस या कोई ऐसा कुछ सिचुएशन है जो इसके बाद भी आप बोलते हो प्रैक्टिस करते हो, ऐसा कुछ है? नहीं मैम ओनली कोर्ट में यूज करते हैं फ्रेंड वगैरह में, मतलब पेन पर इंग्लिश। यही है बात, यही है बात, आप बोलते अपने प्रोफेशन में आप बोलते हो, इसके बाद इसको आप एकदम बोलते ही नहीं हो, वो एनवायरनमेंट अभी आपका बना नहीं है, है ना? तो हमें क्या करना होगा, हमें एनवायरनमेंट बनाना होगा, बनाकर उस पे जीना होगा, तभी हम इंग्लिश को पकड़ सकते हैं, तभी हमारे लिए इंग्लिश एज इजी हो जाता है, ठीक है? हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे आप प्रोफेशन में जाकर इसे बोलना नहीं सकते, मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा कि ऐसा सुन के कि आप प्रोफेशन में जाकर स्पॉट में जाकर एकदम कंपटीशन स्टेज में जाकर आप बोलना नहीं पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक एनवायरनमेंट बना लेंगे उस सेशन में जो एक घंटे का हमारा सेशन होगा, उसमें एक एनवायरनमेंट बना लेंगे, उसमें क्या होगा, उसमें हम सिर्फ बोलेंगे बात करेंगे सिर्फ बात, जब तक आपको बात करने के लिए कोई पार्टनर नहीं मिल जाता आप इंग्लिश को पकड़ नहीं सकते हो,
आप जब भी बात करोगे तभी आप में वर्ड्स आएंगे, प्रोनाउंसिएशन आएंगे और बात समझोगे आप। अगर आप समझ ही नहीं रहे हो, सुन ही नहीं रहे हो, आप क्या बोलोगे? आप आपको बोलने के लिए सुनना होगा, समझना होगा, तो वो जो सिचुएशन है वो सेशन में क्रिएट किया जाएगा। एक सेशन में ओरिजिनली क्रिएट किया जाएगा और उस पे आप जियोगे, उस पल को आप जियोगे, जिस पल मतलब बनाया जाएगा उस पे जियोगे तो ही आप सक्सेस कर पाओगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरा है, ये मेरा काम है। आप आए हो, आपने कहा ये बात है, मुझे इसको सॉल्व करना है, बस और कोई काम नहीं है। और इसको सॉल्व करने के लिए मैं अकेली कभी नहीं सक्सेस हो सकती जब तक आप मुझे साथ ना दो। और आप कैसे साथ दोगे? आपको साथ देने का मतलब है आपको रेगुलरली क्लास में, सेशन में रहना होगा। एक नंबर। दो नंबर है, आपको एकदम डेडिकेटेडली 1 आवर सेशन में 100% अपना दिल, दिमाग और हार्ट को ऐड करना होगा। अगर आपने 1 घंटा पूरा दे दिया 100%, तो मुझे नहीं लगता कि 6 महीने आपको लगेंगे, इससे कम समय में आप सीख सकोगे। और मुझे बहुत ही खुशी होगी जब आप प्रोफेशन में फ्लुएंसी में बात कर सकोगे इंग्लिश में। मेरा जो फीस है, मैं जो लेती हूँ ना फीस, वो फीस होगा आपका बोल पाना, वही मेरा असली फीस होगा। पैसे तो देखिए, ये तो ये नहीं है, ये चाहिए होता है, पर आपको अगर बोलना आ जाए ना, वो मेरे लिए करोड़ों की बात है, करोड़ों रुपए के समान है। तो आप अगर रेगुलर आ रहे हो, अगर आपको सच में ही इस प्रोफेशन को मतलब हाथ में कंट्रोल करना है, तो आप मुझे कुछ समय दो, मतलब कुछ महीने, 2 महीने, अप टू 3 महीने आप दे दो। 3 महीने के अंदर मुझे लगता है आप में बहुत सारा सुधार आ सकता है, बहुत सारा सुधार। और अगर ऐसा हुआ तो आप मुझे कब से कब टाइम दोगे, ये आप मुझे बोलना, क्योंकि इंग्लिश में, इंग्लिश का जो सेशन है उसमें आपको मैं बातें करवाऊंगी, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट विल बी देयर, दैट मीन्स इंटरोगेशंस एंड इंटरेक्शंस विल बी देयर, देयर विल बी नथिंग लाइक एनी आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस एंड नथिंग लाइक दैट मच, इंटरेक्शंस विल बी देयर। एंड ड्यूरिंग इंटरेक्शन व्हाट आर द प्रोसीजर्स आर नीडेड टू मेक एन इंटरेक्शन सक्सेसफुल, दैट वुड बी डन इन द session. And but you should be dedicated, you should be persistent, and you should have a very good mind and appealing attentiveness in the session. And I think that would be good, and that would be a proven result for your fluency in English. So please, agar aap sach mein hi is profession mein jeetna chahte ho, to आप सच में इसको आज से ही काम में शुरू कर दो। इंटरेक्शन बहुत ही ज़रूरी है, मैंने इसके लिए आपको पूछा था वेदर यू आर एबल टू, यू हैव एनी अदर सोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, एंड यू टोल्ड मी जस्ट यू डोंट हैव एनी इंटरेक्शन, एंड दैट्स द फैक्ट। यू आर नॉट गेटिंग द आंसर, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स एंड ऑल, एंड दैट्स वाई यू आर जस्ट कन्फ्यूजिंग हाउ टू मेक इट easy for you. So I need your assistance, I need your support. Please come in the session, start the session from tomorrow, on Monday onwards, and let's get on interaction first, and slowly I will give you some conditions, and there in the conditions you will be talking, you will be given your feedback and all everything, and I think you will get better at this language, far better than earlier. आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? मुझे लगा मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। नहीं मैम, इतना कुछ नहीं यार, बहुत ही मतलब
लगता ना मतलब 100 में से 20% समझ आता है, तो 20% ही समझ आया आपकी बात। 20% आपको क्या समझ में आया बोलो, 20% ही आप बोलो मुझे, 20% भी बहुत ही है, आप बोलो मुझे आपको क्या समझ में आया। तो हाँ नहीं हाँ बता आप हिंदी में पाऊंगा। ही बोलो, कोई बात नहीं आप बोलो। आप देखना आप कहाँ जाते हो, मैं कहती हूँ आपको, आप मुझे सिर्फ रेगुलरिटी दो, रेगुलर सेशन में आओ और बाकी काम आप मुझ पे छोड़ दो, सच में। जैसे आप बोल रही थी कि मतलब आई थिंक मैं सोचती हूँ, तो ऐसा कुछ इतना मतलब और बाकी समझ नहीं आया। बहुत ही मतलब अगर आप रुक रुक कर बोलती तो बूझती भी थी तब तो मतलब मैं बता देता कि इतना कुछ समझ आया। यही तो असली प्रॉब्लम यही है, मतलब यहाँ पर ऐसा अभी जैसा आप मुझे बोल रहे समझ मतलब में और आया जैसे आपका 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 कैसे समझ सकते हो, कैसे बोल सकते हो, अभी मुझे समझ में आया, अभी मुझे समझ में आया और इस पर मैं काम करूंगी। अभी देखिए हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं, हर स्टूडेंट्स एक ही प्रॉब्लम नहीं कर लेकर नहीं आता, कोई बहुत फ्लुएंसी जी बोल बोल अलग सकता है और कोई कुछ थोड़ा बहुत सकता है, पर उनको एकदम एकदम बहुत फ्लुएंस बहुत बड़ा मतलब उनको कोई ग्रामर में ये करना चाहता है, ऐसा है ना। तो बहुत जिसको जो ये होता है उसको बात करके समझ में आता है, नहीं इसको ऐसे समझाना पड़ेगा या ऐसे उनको दिखाना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, तो ही वो समझ सकेंगे या बोल सकेंगे। तो आपका आपका भी वही है, आपने कहा कि आप थोड़ा स्लोली स्लोली बोलते बोलते मेरे साथ जब स्लोली स्लोली बोलोगे तो ये रेस धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, तो ही मैं सकूंगा, ऐसा आपने बोला है ना, ऐसा ही आप सकते हो। तो इसको ही हम शुरू करेंगे, ठीक है ना, इसको ही हम शुरू करेंगे और ऐसे ही हम करेंगे। और मुझे लगता है अगर आपने रेगुलरिटी मेंटेन किया तो मुझे लगता है आप बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोल पाओगे और बहुत ही अच्छा बोल पाओगे। और मुझे लगता है यहाँ से जब आप यहाँ आए हो कुछ लेकर ही जाओगे, और मुझे तो आपकी मतलब आप बोल रहे हो इंग्लिश में, यही मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब पाना है, बहुत बड़ा मैं तो कहूँगी यही मुझे मुझे चाहिए था, मुझे मिल गया है, ठीक है ना। तो आप अभी मुझे बताओ आपको मतलब स्लोली स्लोली से शुरू करना पड़ेगा, है ना। तो आपने मतलब मेरा आप पूछ कर देखो मतलब कुछ ना कुछ तो